मित्रों नमस्कार, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो बौद्धिक आंदोलन भारत में होते हैं या धार्मिक आंदोलन जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन या इनको बौद्धिक आंदोलन भी बोला जाता है। इनके समय की अगर बात करें तो समय है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होता क्या है कि जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे बौद्धिक आंदोलनों का उद्भव होता है। और ये बौद्धिक आंदोलन क्या करते हैं कि जो वैदिक धर्म था या जो आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति थी उसके अंतर्गत अब कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि उसका विरोध करना शुरू हो गया या विरोध होना शुरू हो गया। होता क्या है कि जो वैदिक काल के अंतर्गत जो धार्मिक क्रियाएं थी उसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कर्मकांड होने लग गए, यज्ञ होने लग गए, वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही मजबूत तरीके से समाज के अंदर विकसित हो गई जो समाज को बांटने का काम कर रही थी। जातिवाद जैसी व्यवस्था समाज में आ गई। तो ऐसे में क्या हो गया कि समाज के अंदर एक विकृति आ गई, यानी जो व्यवस्थित समाज था, जो पहले से लचीला एक समाज था, उसके अंदर अब क्या हो गया, जटिलता आ गई और लोगों के अंदर इस व्यवस्था के विरोध में रोष व्याप्त हो जाता है। तो होता यह है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बहुत सारे बौद्धिक आंदोलन होते हैं। और ये बौद्धिक आंदोलन क्या करते हैं, जो इनके एक तरीके से देखे जाए तो जो इनको मानने वाले थे या एक जो मतलब परिवारजक इनको बोल सकते हैं, जो परिवारजक इनके होते थे वो घूम घूम करके अपना जो दर्शन होता था उसका प्रसार करते थे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। और एक दूसरे के जो मत थे या सिद्धांत थे उनका खंडन करते थे। और ऐसे में क्या होता था कि एक नई चेतना जनमानस के बीच में विकसित हो रही थी। ऐसे में होता क्या है कि लगभग 62 और कई जगह 63 संप्रदायों की चर्चा होती है कि 62-63 संप्रदायों ने मध्य गंगा के मैदानों में इनका विकास होता है और ये बौद्धिक चेतना का विकास करते हैं। अब इनके अंतर्गत अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण दो हैं। एक तो है जैन धर्म या जैन धर्म से संबंधित जो आंदोलन होता है वो, और दूसरा है बौद्ध धर्म, ठीक है। ये बड़े रूप में अपने सिद्धांतों का प्रसार करते हैं, अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हैं और बड़े स्तर के ऊपर जनमानस को प्रभावित करते हैं। और अगर विश्व स्तर के ऊपर बात करें तो विश्व स्तर के ऊपर भी ऐसी धार्मिक चेतनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे दर्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए चीन की बात करें, चीन में इस समय कन्फ्यूशियस
अपने मत का या अपने सिद्धांतों का प्रसार कर रहा है। और अगर बात करें ईरान में, तो ईरान में जरथुष्ट बौद्धिक आंदोलन है, और अगर बात करें यूनान में तो वहाँ पर पाइथागोरस अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि भारत में मोटे तौर पर देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों का प्रसार कर रहे हैं, और विश्व स्तर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें चीन में कन्फ्यूशियस अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों का प्रसार कर रहे हैं। और अगर ईरान की बात करें तो वहाँ पर जरथुष्ट हैं, और यूनान की बात करें तो वहाँ पर हैं पाइथागोरस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन कारणों का या उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण ये बौद्धिक आंदोलन मध्य गंगा घाटी के मैदानों में विकसित होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बौद्धिक आंदोलन बौद्धिक आंदोलनों के उद्भव के पीछे कारण, या इनको परिस्थितियां भी कह सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां या ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण ये धार्मिक आंदोलन उभर करके आते हैं। तो कारणों में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको देखने का प्रयास करते हैं, यानी जो सामाजिक ढांचा क्या था जिसके कारण ये चेतना जागृत होती है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जो वैदिक धर्म है ये, इसमें क्या होता है कि ये अपनी पवित्रता खो देता है एक तरीके से। कहने का मतलब कि जो वैदिक धर्म है ये अपनी कर्मकांडीय जटिलताओं के कारण पवित्रता खो देता है। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो गया वैदिक धर्म का, ये क्या होता है इसमें बड़े स्तर के ऊपर कर्मकांड हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, कर्मकांड हैं और ये यज्ञ से संबंधित हैं, तो यज्ञ कर्मकांडों के कारण ये अपनी पवित्रता खो देता है। तो एक तो मुख्य कारण ये होता है जिसके कारण जनमानस के अंदर रोष व्यापक हो जाता है। एक अगर बात करें तो इसी समय होता क्या है कि समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित हो जाती है, और चार वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये चार वर्ण समाज में अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि समाज में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में इसी समय क्या होता है जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी आ जाती है, यानी समाज को अब धीरे धीरे क्या है जाति आधारित समाज में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब समाज तो इस तरह का बन रहा है, लेकिन इसी समय क्या हो रहा है कि हमें क्या हो रहा है नगरीकरण दिखाई दे रहा है। व्यापार वाणिज्य हमें विकास की या
व्यापार वाणिज्य का विकास दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ तो क्या हो रहा है कि समाज के अंदर कर्मकांड आधारित समाज हो रहा है, यज्ञ कर्मकांड बहुत बड़े स्तर के ऊपर हो रहे हैं, वर्ण व्यवस्था आधारित समाज हमें दिखाई दे रहा है, जाति आधारित समाज हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय क्या हो रहा है कि वहाँ पर हमें नगरीकरण दिखाई दे रहा है, व्यापार वाणिज्य हमें दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब होगा क्या कि समाज के अंतर्गत जब ये दो क्रियाएं दिखाई देने लग जाएंगी, नगरीकरण और व्यापार वाणिज्य, यानी इसी समय नगरीकरण दिखाई दे रहा है, व्यापार वाणिज्य दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में समाज के अंदर एक प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। ये प्रतिक्रिया किस रूप में होगी? ये प्रतिक्रिया होगी कि एक तो यहाँ पर जाति आधारित समाज होने के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो है शूद्र, यानी इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि इसके पास में कोई अधिकार नहीं है, अधिकार विहीन है, सिर्फ ये ऊपर के जो वर्ण है उनकी सेवा करता है। तो सबसे ज़्यादा रोष तो इस समय क्या है, जो शूद्र वर्ण है उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन होता क्या है कि छठी शताब्दी के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि शूद्रों को भी कुछ अन्य कार्य करने, दूसरे कार्य करने लग जाते हैं, तो इनकी स्थिति भी सुधरने लग जाती है, लेकिन समाज में इनको स्थान अच्छा नहीं प्राप्त होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमें नगरीकरण दिखाई दे रहा है और व्यापार वाणिज्य दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या होगा कि जो वैश्य हैं इनकी स्थिति सुधरेगी, जो वैश्य हैं इनकी स्थिति सुधरेगी। जब वैश्यों की स्थिति सुधरेगी तो ये क्या करेंगे, समाज में अपना एक अच्छा स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय पहले से ही मजबूत स्थिति में है क्योंकि ये समाज में उच्च स्थान रखते हैं, तो ऐसे क्या होगा, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में भी क्लेश दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा क्या है कि व्यापार वाणिज्य और नगरीकरण के कारण होता क्या है कि जो क्षत्रिय वर्ग है इसके पास में टैक्स के माध्यम से अच्छा पैसा आता है या अच्छा धन आता है, तो समाज में इनकी स्थिति भी मजबूत होती है। ये दोनों तरीके से मजबूत होते हैं, एक तो आर्थिक रूप से भी और एक राजनीतिक रूप से भी। तो ऐसे में क्या है, ये इनके बीच में, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में भी क्लेश दिखाई देने लग जाएगा। तो इसी आपसी क्लेश को दूर करने का कार्य करेंगे जैन और बौद्ध धर्म जैसे जो आंदोलन खड़े होते हैं, धार्मिक आंदोलन वो। ठीक है, तो ये तो थी उस समय की जो धार्मिक सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो कन्फ्लिक्ट हमें दिखाई देता है, या फिर ये समाज में जो व्यवस्था बनी हुई थी इसका विरोध किस तरीके से कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें। आगे हम देखते हैं कि इस समय आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके से परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर क्या होता है कि नए धार्मिक आंदोलनों को बल मिलता है। तो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें, आर्थिक व्यवस्था इसके अंतर्गत देखें तो होता क्या है कि जो पहले वाली व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए वैदिक काल में होता क्या है, लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होती है, और इस लोहे की खोज होने से क्या होगा कि कृषि कार्यों में विस्तार होगा, कृषि कार्यों में विस्तार होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि दो चीजें दिखाई देती हैं, एक तो क्या है कि कृषि कार्यों का विस्तार हो रहा है, लेकिन उत्तर काल वैदिक काल में हो क्या रहा है कि इसी समय कर्मकांड, या इनको यज्ञ कर्मकांड कह सकते हैं,
यज्ञ क्रमकांड बहुत बड़े स्तर के ऊपर हो रहे हैं, और इन यज्ञ क्रमकांडों में होता क्या है, पशु बलि दी जा रही है, ठीक है। एक दूसरी चीज ये है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पशुपालन हो रहा है, ये पशुपालन दुग्ध के लिए नहीं होता है, दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए होता है, मांस के लिए होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि कृषि व्यवस्था का विस्तार हो रहा है, जंगलों की सफाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, पशुओं की जरूरत है, पशुओं की जरूरत है, खास करके जो गाय का बछड़ा होता है उसकी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इन्हीं पशुओं की यहाँ पर यज्ञ क्रमकांड में या जो यज्ञ होते थे उसमें पशु बलि दी जा रही है। उत्तरवेदिकालीन जो समाज था या धर्म था वो परिपाटी अभी भी चली हुई आ रही है। दूसरी तरफ जो पूर्वोत्तर की जनजातियाँ हैं ये भी पशुपालन करती हैं, लेकिन ये भी क्या है, दूध के लिए ना करके मांस के लिए पशुपालन करती हैं, तो उसमें भी क्या है, पशु हानि हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा कि जनता है जो क्या करेगी कि इन चीज़ों को लेकर के विरोध करने लग जाएगी, या वो ऐसा मार्ग तलाश करेगी कि कोई अहिंसा आधारित, यानी कोई अहिंसा का जो संदेश है वो लेकर के आए और पशुओं को बचाए, या पशु बलि में जो पशु मारे जा रहे हैं उनको बचाए, और एक समतावादी समाज यानी सभी जो वर्ण हैं जाति हैं उनको समानता की दृष्टि से देखने वाली व्यवस्था समाज में स्थापित हो, तो ऐसी उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब जो यज्ञ कर्मकांड है उसका भी विरोध होगा क्योंकि आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ जो जनजातियां पशुपालन कर रही हैं मांसाहार के लिए तो उसमें भी उनका भी विरोध होगा क्योंकि उससे भी क्या है, पशुओं की हानि होती है। और अब क्या है, कृषि के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाने लगेगा, तो ऐसे में क्या है, इस चीज़ का समर्थन करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो प्रणेता हैं, जो संस्थापक हैं, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। एक चीज और है, ये जो क्रमकांड ये या पशु बलि इस समय दी जा रही है इसके बारे, इसका विरोध हमें उपनिषदों में भी दिखाई देता है। उपनिषदीय जो चिंतन है उसमें भी हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। उपनिषदों में भी जो प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा है, प्रवृत्ति मार्गी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भौतिकवादी चीजों का संग्रह करते हैं उनका विरोध करके संन्यास या निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बौद्धिक आंदोलन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य गंगा की घाटी में उद्भव हो रहे हैं उनके पीछे कारण क्या है उनको समझने का हमने प्रयास किया। तो ऐसी प्रक्रिया में अब क्या होगा कि यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है उसका विरोध किया जाएगा, जो यज्ञवाद है उसका विरोध किया जाएगा, या क्रमकांड है उनका विरोध किया जाएगा, और इस समय जो पशु बलि हो रही है उसका विरोध किया जाएगा, और एक तरीके से मतलब जो व्यवस्था उत्तरवेदी काल से इस समय छठी शताब्दी ईसा की ओर आ रही है उस व्यवस्था का विरोध यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है, समाज में कहीं ना कहीं विकृति पैदा हो रही है या फिर समाज में कहीं ना कहीं रोष पैदा हो रहा है, तो खास करके जो जाति व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था है उसका विरोध किया जाएगा, यज्ञों में जो बड़े स्तर के ऊपर पशु बलि दी जा रही है उसका विरोध किया जाएगा, और अब नई चेतना समाज के अंतर्गत
आएगी। तो इसी इन्हीं सब के विरोध में, इन्हीं सब के विरोध में क्या होगा, जो मध्य की घाटी है में लगभग 62 या 63 संप्रदायों का उद्भव होगा, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ छोटे स्तर के ऊपर भी आंदोलन होते हैं, तो उनको समझने का हम प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत 5 ऐसे छोटे संप्रदाय हैं जो कई बार एग्जाम में उनसे संबंधित प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। तो पहले हम उनको समझते हैं। इन 5 संप्रदायों के अंदर नंबर 1 है पूर्ण कश्यप, ये जो पूर्ण कश्यप है, ये एक तरीके से घोर अक्रियावादी थे, घोर अक्रियावादी, और इनका जो मत था वो ये था कि चोरी, डकैती, हत्या, झूठ आदि ये समाज में पाप नहीं माने जाते, यानी चोरी डकैती इनका मत था कि चोरी डकैती या झूठ ये सब पाप नहीं माने जाते, पाप नहीं माने माने जाते। ठीक है, यानी चोरी डकैती हत्या झूठ अगर आप ये करते हो तो इनको पाप नहीं समझा जाएगा। और एक चीज और ये कहते हैं कि सत्य, दान, पुण्य, सत्य हो गया, दान, पुण्य और तप, कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, प्रतिफल नहीं मिलता है। यानी इनका कहना था कि अगर आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो उससे भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए दान देते हैं, जप करते हैं, या कोई पुण्य करते हैं, या सत्य बोलते हैं तो इनका भी आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इस तरह के कर्मों का भी, इन कर्मों का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। तो ये थे पूर्ण कश्यप, और इनका जो मत है वो क्या था, घोर अक्रियावादी। और इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप चोरी डकैती हत्या झूठ ये सब करते हो तो इनको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, और अगर आप सत्य, दान, पुण्य, तप आदि करते हो या ऐसे कर्म करते हो तो इनका भी आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एक तो मत ये था जो उस समय काफी प्रसिद्ध था। दूसरा मत है मखली घोषाल, दूसरा जो मत है वो है मखली घोषाल का,
और ये जो मखली घोषाल हैं इन्होंने क्या किया, एक संप्रदाय की स्थापना की थी और उस संप्रदाय का नाम है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, ये जो आजीवक संप्रदाय है इसके बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों में मिलती है, अशोक के अभिलेख में मिलती है। और ये पूर्व मध्यकाल तक कहीं कहीं प्रचलित था, कहीं कहीं प्रचलित था, यानी पूर्व मध्यकाल तक ये भारत में कहीं ना कहीं छोटे स्तर के ऊपर प्रचलित था। और इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा है वो भी एक तरीके से अक्रियावादी है। इनकी शिक्षा है उसका आधार भी क्या है, अक्रियावादी, ठीक है। और इनका मानना था कि जो मनुष्य है, जो मानव है या जो मनुष्य है वो क्या है, नियति के अधीन है। इनका मानना था कि मनुष्य नियति के अधीन है और ना तो उसमें बल है, ना तो उसमें बल है और ना पराक्रम, ना तो उसमें बल है और ना उसमें पराक्रम है। और ये जो मनुष्य है ये भाग्य के अधीन, मनुष्य भाग्य के अधीन सुख और दुख प्राप्त करता है, सुख और दुख प्राप्त करता है, ठीक है। यानी सब कुछ क्या है, नियति के अंतर्गत बंधा हुआ है और उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीता है। तो यहां पर हमने देखा जो मत है वो है मखली घोषाल का, और मखली घोषाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की, उस संप्रदाय का नाम क्या है, आजीविक संप्रदाय। इस आजीविक संप्रदाय के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो है एक तो अशोक या अभिलेख, और दूसरा क्या है, ये मध्यकाल तक या पूर्व मध्यकाल तक लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी तक ये भारत में कहीं कहीं प्रचलित था। और इनकी जो शिक्षा है वो क्या है, अक्रियावादी। इनका मानना है कि मनुष्य क्या है, नियति के अंदर में या नियति के अधीन है, जो डेस्टिनी होती है उसके अधीन है और ना तो उसमें कोई बल है और ना उसमें कोई पराक्रम है। और ये जो व्यक्ति है ये भाग्य के अधीन ही सुख और दुख प्राप्त करता है, यानी जो नियति में या जो भाग्य में लिखा हुआ है उसी के अनुसार जीवन यापन मनुष्य को करना पड़ता है। ऐसा किसका मानना है, मखली घोषाल का, ठीक है, जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। अगला जो संप्रदाय है वो है अजीत केस कम्बलीन का संप्रदाय है, वो है अजीत केस कम्बलीन का। और घोर भौतिकतावादी, घोर भौतिकतावादी, ठीक है, संप्रदाय है घोर भौतिक अजीत केस कम्प्लेन का। और ये कैसे हैं या इनकी जो विचारधारा है वो कैसी है, भौतिकतावादी। अजीत केस कम्प्लेन का मानना है कि जो जीवन है या मनुष्य का जीवन है वो पृथ्वी अग्नि वायु, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो पृथ्वी अग्नि वायु और जल से निर्मित है,
इन चार चीजों से क्या है, मनुष्य का जीवन निर्मित है और इनका ये मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। यानी एक बारी मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे जीवन में कुछ नहीं बचता है। वो सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि आपके कर्मों का फल आपको बाद में भी मिलता है, इस तरह की जो क्रिया है उसको ये लोग नहीं मानते हैं। और एक चीज और है, इनका मानना है कि सत्य असत्य पाप पुण्य ये सब झूठी कल्पनाएं हैं। तो यहां पर हमने देखा अजित केस कम्बलीन के बारे में, और अजित केस कम्बलीन है वो क्या है, भौतिकतावादी इनकी विचारधारा है। इनके अनुसार जो मनुष्य का जीवन है वो पृथ्वी अग्नि वायु और जल से निर्मित है, यानी चार चीजों को मिलकर के मनुष्य का जीवन बना है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता है, यानी उसी के साथ में सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। और एक चीज और ये मानते हैं कि सत्य असत्य पाप पुण्य जैसी चीजें कुछ भी नहीं है, ये हमारी झूठी कल्पनाएं हैं। तो इनमें इन चीजों में इनका विश्वास नहीं था और ये भौतिकतावादी थे। यानी मनुष्य का एक तरीके से जब तक वो जीवित है तब तक उसको भौतिक चीजों में विश्वास करना चाहिए, उसी के साथ में उसका जीवन परिपूर्ण ये मानते थे। अगला जो मत है वो है नंबर चार का पकुद कचायन। पकुद कचायन का जो मत है उसकी अगर बात करें तो ये एक तो पुनर्जन्म और जो पकुद कचायन है वो एक तो पुनर्जन्म को नहीं मानता है और एक कर्म को नकारता है। यानी ना तो इसका विश्वास है वो पुनर्जन्म में है और ना ही इसका विश्वास है वो कर्म करने में है, ठीक है, दोनों चीजों को ये नकारता है। और इनका मानना है कि संसार के अंदर न तो कोई किसी को मारता है और न ही किसी को कोई मारा जाता है। इनका मानना है कि संसार में न तो किसी को कोई मारता है और न कोई मारा जाता है, यानी ऐसा इनका मानना था। ये ना तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और ना कर्म में विश्वास करते हैं, यानी दोनों चीजों को ये नकारते हैं। दूसरी तरफ इनका मानना है कि संसार में न तो कोई किसी को मारता है और न ही कोई मारा जाता है, ठीक है। अगला जो विचार है वो है संजय वेल्टीपुत, संजय वेल्टीपुत का। ये क्या है, संदेहवादी है।
निश्चयवादी या अनिश्चयवादी, यानी हर चीज के ऊपर का कोई निश्चित मत नहीं है, या फिर ये उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर ये संदेह करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने पकुद का चयन, जो पुनर्जन्म और क्रम को नकारते हैं, उनके बारे में देखा, और दूसरे हैं संजय वेलती पुत्र। तो संजय वेलती पुत्र है वो क्या है, संदेहवादी है या अनिश्चयवादी है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर वो क्या करते हैं, एक तरीके से संशय की भावना से देखते हैं, या फिर उसके ऊपर संदेह करते हैं। तो ये थे पांच संप्रदाय जो बुद्ध और जैन धर्म के साथ साथ में मध्य गंगा के मैदानों में इनका विकास होता है या इनका उद्भव होता है। एक और है चार्वाक। तो ये चार्वाक है, ये भी क्या है, भौतिकवादी है। इसका भी यही मानना है कि मनुष्य को जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसको जीवन को सुख में जीना चाहिए, उसके बाद में मृत्यु के बाद में कुछ भी शेष नहीं बचता है। इनका तो यहां तक मानना है कि मनुष्य को उधार लेकर के घी पीना चाहिए और सुख से जीना चाहिए। बाकी जैसे मान लीजिए कि हम अगर उधारी छोड़ जाते हैं मृत्यु के बाद, तो उसका हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थे चार्वाक, और इनके जो संस्थापक है वो माने जाते हैं बृहस्पति, यानी जो चार्वाक दर्शन है उसके संस्थापक माने जाते हैं बृहस्पति। दर्शन है चार्वाक, भौतिकवादी है, और इसके संस्थापक माने जाते हैं बृहस्पति। लगभग 5-6 के आसपास उस समय महत्वपूर्ण छोटे छोटे संप्रदाय विकसित होते हैं, और फिर इन्हीं के साथ में होता यह है कि दो बड़े संप्रदाय मध्य गंगा के मैदानों के अंतर्गत विकसित होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इन दो महत्वपूर्ण संप्रदायों के अंतर्गत एक है जैन धर्म, एक संप्रदाय है जैन धर्म, और दूसरा है बौद्ध धर्म। जैन धर्म है बड़े स्तर के ऊपर प्रचार प्रसार करते हैं महावीर स्वामी, और जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक है महात्मा बुद्ध। तो इन दोनों संप्रदायों के बारे में या इन दोनों बौद्धिक आंदोलन के बारे में हम विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। ये जो जैन धर्म है, अगर इसके जो अन्य नाम है उनके बारे में अगर हम बात करें, तो अन्य नाम है इसके श्वेत पट, श्वेत पट यापनीय, निग्रंथ, निग्रंथ, और एक नाम और है कुरुचक, कुरुचक। ये इसके जैन धर्म के अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो जैन शब्द है, जैन शब्द संस्कृत के, संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है विजेता, जिसका तात्पर्य है विजेता, ठीक है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है और इसका तात्पर्य है विजेता, ठीक है। और ये विजेता किस चीज का होता है, जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों का विजेता,
जो हमारी इंद्रियां हैं, मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उनको जो जीत लेता है उसको जैन बोला गया है। अब यहां पर दो चीजें और हमें मिलती हैं, एक तो है निग्रंथ और एक है तीर्थांकर, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जैन धर्म में जिनको हम पहले थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं तो बाद में हमें समझने में आसानी होगी। तो यहां पर जो निग्रंथ है इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित, निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। और जो जैन महात्मा है, जैन महात्मा उनको बोला जाता था निग्रंथ, जैन महात्माओं को निग्रंथ बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तीर्थांकर की तो तीर्थांकर क्या है कि जो जैन संस्थापक हैं, जैन संस्थापक, जैन संस्थापक संस्थापकों को तीर्थांकर कहा जाता है, ठीक है। ये जो तीर्थांकर है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है तीर्थ, तो तीर्थ है उसका तो मतलब ये है कि विभिन्न या विविध नियम और उपनियम और जो कर है उसका मतलब है बनाने वाला, बनाने वाला, कर का मतलब है यहां पर बनने वाला। यानी तीर्थांकर का मतलब क्या है कि जो संस्थापक हैं जैन धर्म के उनको तीर्थांकर बोला गया है, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहां पर तीर्थ जो शब्द है उसका मतलब है विविध नियम और उपनियम, और कर का मतलब है इन विविध नियम और उपनियमों को बनाने वाला। तो इस चीज को हम थोड़ा दोबारा से देखते हैं। हमने यहां पर देखा जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के बारे में हमने क्या देखा कि एक तो इसके जो उपनाम है यानी जो अलग अलग नाम है इसके, उसके बारे में देखा। यहां पर हमने देखा कि जैन धर्म के नाम क्या क्या हैं, श्वेत पट, यापनीय, निग्रंथ, कुरुचक, ठीक है। ये तो नाम हमें जैन धर्म के देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो नाम है वो। अब हम बात करते हैं जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जीन शब्द से बना है, और जिसका तात्पर्य क्या होता है विजेता, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या होता है विजेता, और विजेता से मतलब ये है जो जितेंद्रियों को जीत लेता है, मनुष्य की जो जितेंद्रियां हैं या इंद्रियां हैं उनको जो जीत लेता है उसको यहां पर विजेता बोला गया है, ठीक है। हमें यहां पर दो शब्द और दिखाई दे रहे हैं, एक है निग्रंथ और दूसरा है तीर्थांकर, जो जैन धर्म में काफी प्रचलित हैं। तो यहां पर निग्रंथ है उसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित, और ये होता क्या है जैन महात्माओं को निग्रंथ बोला जाता है, यानी जो जैन धर्म में साधु संत होते हैं उनको क्या बोला जाता है निग्रंथ, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाए परीक्षा के अंदर कि निग्रंथ किसे कहा जाता है, तो जो जैन महात्मा होते थे उनको क्या बोला जाता है निग्रंथ बोला जाता है। दूसरा क्या है तीर्थांकर। अब ये जो तीर्थांकर हैं ये कौन होते थे, ये होते थे जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है। जैसे महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ है, ऋषभ देव है, ये सब क्या है तीर्थांकर हैं, ठीक है। ये तीर्थांकर है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, तीर्थ और कर। तीर्थ से मतलब यहां पर है विविध नियम और उपनियम, और कर का मतलब है बनाने वाला, यानी जैन धर्म से संबंधित जो नियम और उपनियम बनाने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है तीर्थांकर, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में।
अब हम चलते हैं आगे। हम यहां पर बात कर रहे हैं तीर्थांकरों के बारे में। तीर्थांकरों के बारे में हमने बात की, तो जैसे मान लीजिए जो जैन धर्म है उसमें बहुत सारे लगभग 24 तीर्थांकरों का जन्म होता है, या जैन धर्म को बनाने में 24 तीर्थांकर हैं, उनकी भूमिका है। तो जैन धर्म के अगर प्रथम तीर्थांकर की बात करें, प्रथम तीर्थांकर की बात करें, तो वो कौन थे? ऋषभदेव। यानी ऋषभदेव हैं वो क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर थे, ठीक है। और जो ऋषभदेव हैं इनको आदिनाथ भी बोला जाता है, आदिनाथ, ठीक है। और इनके बाद में एक और तीर्थांकर हैं अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। ये जो अरिष्ट नेमी हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यानी प्रथम तीर्थांकर के बारे में बात की हमने, वो है ऋषभदेव या आदिनाथ, और एक जैन धर्म के तीर्थांकर हैं अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख हमें कहां पर मिल रहा है? ऋग्वेद के अंतर्गत, ठीक है। ये जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। यानी थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी मिलती है, ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इतनी जानकारी मिलती है कि एक राजा थे सॉरी ऐसा माना जाता है कि वो एक राजा थे, और उन्होंने अपना जो राज है वो अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था। यानी ऋषभदेव के बारे में माना जाता है कि ये एक राजा थे और इन्होंने अपना राज्य पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया और खुद सन्यासी बन गए, खुद सन्यासी बन गए, ठीक है। यानी इतनी जानकारी है ऋषभदेव के बारे में कि एक राजा थे और इन्होंने अपना जो राज्य है वो पुत्र के पक्ष में त्याग करके खुद सन्यासी बन गए, या फिर यति, जैन धर्म में इनको सन्यासियों को यति बोला जाता है, तो ये यति बन जाते हैं। और अगर बात करें तो जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थांकर हुए हैं, और ये जो 24 तीर्थांकर हैं उसमें 22 के बारे में जानकारी संदिग्ध है। यानी 22 के बारे में हमें जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिलती है। जो 23वें तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थांकर हैं पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थांकर हैं महावीर स्वामी। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक तरीके से अच्छी तरह से मिलती है, या उसके ऊपर हम कोई संशय नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो प्रमाण है वो ऐतिहासिक है और इनके बारे में जानकारी हमें पूरी तरीके से मिलती है। और एक चीज ये है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में महान पुरुष या सलाका पुरुष की कल्पना की गई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा दोबारा से समझते हैं। हमने यहां पर देखा कि जो जैन धर्म है उसमें तीर्थांकर
काफी महत्वपूर्ण होते हैं, या जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनको तीर्थांकर बोला जाता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर हैं वो है ऋषभदेव या आदिनाथ। अरिष्टनेमी है जैन धर्म के एक अन्य तीर्थांकर जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद के अंतर्गत, ठीक है। ऋषभदेव के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे, ऋषभदेव हैं वो एक राजा थे, और इन्होंने अपना जो राज्य है वो पुत्र भरत के पक्ष में त्याग करके खुद क्या यति या सन्यासी बन गए थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जैन धर्म में 24 तीर्थांकर हुए हैं, जिनमें 22 के बारे में जानकारी है वो क्या है, संदिग्ध है, यानी इनके बारे में कोई क्लियर ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन 24वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ और 23वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी है, उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो ऐतिहासिक है, उसके बारे में हम कोई संशय नहीं कर सकते, ठीक है। और एक जैन धर्म के अंदर महान पुरुष या शलाका पुरुष की कल्पना की गई है। तो ये तो थी जैन धर्म के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे पार्श्वनाथ और जो महावीर स्वामी है उनके बारे में, इनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, और इस धर्म के जो अन्य दार्शनिक हैं उनके बारे में देखेंगे, जो जैन धर्म की संगोष्ठियां होती हैं उसके बारे में देखेंगे, जो शिक्षाएं या जो दर्शन जैन धर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया।